देश में डिजिटल क्रांति के नारे और दावों के बीच इंटरनेट की रफ्तार को लेकर भारत अभी भी बाकी देश से काफ़ी पीछे है। 189 देशों में से भारत 119 स्थान पर है और डाउनलोडिंग की रफ्तार 3 MBPS से भी कम है, जिसका मतलब है कि देश डिजिटल सोसाइटी की परिभाषा में फिट नहीं होता है। देखिए ये रिपोर्ट। 7.5 GB की एक HD फिल्म डाउनलोड करने में सिंगापुर में 18 मिनट लगते हैं, थाईलैंड में 1 घंटा लगता है, मलेशिया में 2.5 घंटे लगते हैं, श्रीलंका में 4.5 घंटे लगते हैं, जाम्बिया में करीब 7 घंटे लगते हैं, पर भारत में पूरे 8 घंटे 16 मिनट लगते हैं। 189 देशों में हुए एक सर्वे में भारत के 2 लाख से ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शंस के 4.5 लाख से ज़्यादा टेस्ट के बाद ये आंकड़े सामने आए हैं। भारत 119वें पायदान पर है और घाना, लिबेरिया और उगांडा जैसे देश भारत से बेहतर हैं। भारत में पिछले 2 साल से जारी डिजिटल इंडिया मुहिम देश के विकास में तभी तेजी ला सकती है जब कनेक्टिविटी बेहतर होगी, लेकिन ग्लोबल ब्रॉडबैंड लीग के नतीजों से पता लगता है कि ब्रॉडबैंड की एवरेज स्पीड सिर्फ 2.06 MBPS है, जिसका मतलब है कि भारत को डिजिटल समाज नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसके लिए 10 MBPS की एवरेज स्पीड होनी ज़रूरी है। TRAI ने अपने हाल की रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 3G के आने से ब्रॉडबैंड मोबाइल का चलन बढ़ गया है, लेकिन जिस तरह कॉल ड्रॉप की समस्या टेलीकॉम सेक्टर में है, वैसे ही धीमी ब्रॉडबैंड स्पीड की समस्या से देश को छुटकारा नहीं मिला है। इससे जैम जैसी सरकारी योजनाओं में तेजी नहीं आ सकती है, क्योंकि बिना अच्छी कनेक्टिविटी के कामकाज मुकम्मल नहीं हो सकता है। उजैर अली की रिपोर्ट, गो न्यूज़।